फिलॉसफी के एक प्रोफेसर ने कुछ चीजों के साथ क्लास में प्रवेश किया। जब क्लास शुरू हुई तो उन्होंने एक बड़ा सा खाली शीशे का जार लिया और उसमें पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े भरने लगे। फिर उन्होंने छात्रों से पूछा कि क्या जार भर गया है और सभी ने कहा हाँ। तब प्रोफेसर ने छोटे छोटे कंकड़ों से भरा एक बॉक्स लिया और उन्हें जार में भरने लगे। जार को थोड़ा हिलाने पर ये कंकड़ पत्थरों के बीच सेटल हो गए। एक बार फिर उन्होंने छात्रों से पूछा कि क्या जार भर गया है और सभी ने हाँ में उत्तर दिया। तभी प्रोफेसर ने एक सैंड बॉक्स निकाला और उसमें भरी रेत को जार में डालने लगे। रेत ने बची खुची जगह भी भर दी और एक बार फिर उन्होंने पूछा कि क्या जार भर गया है और सभी ने एक साथ उत्तर दिया हाँ। फिर प्रोफेसर ने समझाना शुरू किया, मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें कि ये जार आपकी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। बड़े बड़े पत्थर आपके जीवन की जरूरी चीजें हैं। आपकी फैमिली, आपका पार्टनर, आपकी हेल्थ, आपके बच्चे ऐसी चीजें हैं कि अगर आपकी बाकी सारी चीजें खो भी जाएं और सिर्फ ये रहे तो भी आपकी जिंदगी पूर्ण रहेगी। ये कंकड़ कुछ अन्य चीजें हैं जो मैटर करती हैं, जैसे कि आपकी जॉब, आपका घर इत्यादि। और ये रेत बाकी सभी छोटी मोटी चीजों को दर्शाती है। अगर आप जार को पहले रेत से भर देंगे तो कंकड़ों और पत्थरों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। यही आपकी जीवन के साथ होता है। अगर आप अपनी सारा समय और ऊर्जा छोटी छोटी चीजों में लगा देंगे तो आपके पास कभी उन चीजों के लिए समय नहीं होगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। उन चीजों पर ध्यान दीजिए जो आपकी खुशी के लिए जरूरी हैं। बच्चों के साथ खेलिए, अपने पार्टनर के साथ डांस कीजिए, काम पर जाने के लिए, घर साफ करने के लिए, पार्टी देने के लिए हमेशा वक्त होगा। पर पहले पत्थरों पर ध्यान दीजिए, ऐसी चीजें जो सचमुच मैटर करती हैं। अपनी प्रायोरिटीज सेट कीजिए, बाकी चीजें बस रेत हैं।